पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान, कारोबार के दौरान 1200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स 81,700 से ज़ायद पॉइंट्स पर पहुंच गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत का 5 दिन में फैसले का इम्कान, नेशनल जुडिशियल पॉलिसी के मुताबिक स्पेशल कोर्ट पर 5 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस 2 में जमानत का फैसला जल्द करने की दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन का नाम ECL और PCL से निकालने की दरख्वास्त, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखला और FIA को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज ही चीफ जस्टिस बनेगा, जस्टिस मंसूर अली शाह के सिवा कोई दूसरा चीफ जस्टिस कबूल नहीं। वकला रहनुमाओं का आज से तहरीक चलाने का ऐलान, आईनी तरमीम किसी सूरत कबूल ना करने का आज़म। अफगानिस्तान में फितना उल ख्वारिज को अफगान उबूरी हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है, पाकिस्तान फितना उल ख्वारिज के खिलाफ कौमी सतह पर कार्रवाई करता रहेगा। कलदम TTP के खतरे को कम करने के लिए पाकिस्तान इलाकाई और बैनुल अक्वामी तंजीमों के साथ तआवुन पर तैयार है। अक्वामी मुत्तहदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने सदर जो बाइडन को सिफारती असनाद पेश कर दी। अमरीकी सदर ने दहशतगर्दी के खतरात से निमटने के लिए पाक अमरीका तआवुन को सराहा। लबनान में हिजबुल्ला के जेर इस्तेमाल वॉकी टॉकी सेट्स में धमाकों से मरने वालों की तादाद 20 तक पहुंच गई, 450 से ज्यादा जख्मी हो गए। धमाके जनाजों में शरीक अफराद के साथ फून में हुए। ताइवानी कंपनी ने लबनानी धमाकों में इस्तेमाल होने वाले पेजर्स हंगरी में बनने का दावा कर दिया, हंगरी ने दावा मुस्तरद कर दिया। और चैंपियंस कप में मारकोर्स ने मुसलसल तीसरा मैच जीत लिया, डॉल्फिन्स को 92 रन से शिकस्त दे दी।